हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर चार्ज है, और चार्ज कैसा है भाई, चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब द चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने उस केस को डिस्कस किया था जहां पर हमारा स्फीयर ऐसा था जिसमें चार्ज डेंसिटी हर पॉइंट पर सेम था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हर पॉइंट पर सेम था। अब आज हमारा केस है यहां पर चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है। अब ये दो क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जेई मेन में पूछा गया है जो पहले AIEEE के नाम से होता था। अब देखो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक स्फीयर है। सो मान लो हम ये स्फीयर मान लिए, एक स्फीयर है, जानबूझ के मैं इसे बड़ा बना रहा हूं, स्फीयर है जिसमें टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, इसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। अब इसमें चार्ज डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है, रो आर से लिखा हुआ है, बगल में देखें, कैपिटल क्यू अपॉन पाई आर टू दी पावर फोर एन आर। नाउ व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब सेंटर से जो भी पॉइंट ले रहे हैं उसका डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, अब मुझे कहा जा रहा है एक ऐसा पॉइंट लीजिए जो स्फीयर के अंदर है, दैट मींस स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से छोटा लेना है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालिए। ठीक है, सो हम लोग देखो ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। पिछली बार हमने कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रो लेके किया था, इस बार हमारा चार्ज डेंसिटी रो का वैल्यू वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि आर का वैल्यू वेरी कर रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सो ऐसे में हम लोग करते कैसे, देखो जी, हम लोग मान लो हमसे कहा गया यहां पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लो ये कोई आर के बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है, यहां मैं लिख दे रहा हूं स्मॉल आर के। अब यहां पर गॉसियस लॉ अप्लाई करना है। गॉसियस लॉ में फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमको एक गॉसियन सरफेस लेना होता है। तो मान लो हमने ये गॉसियन सरफेस ले लिया जो हमारा गिवन चार्ज बॉडी है उसके स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, सो ये गिवन बॉडी ये है हमारा बड़ा वाला, और ये जो अंदर हमने सर्कल बनाया है ये क्या है, ये स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, गॉसियन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, गॉसियस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चार्ज कहाँ है भाई? चार्ज इसके बाहर भी है अंदर भी है, चार्ज हर जगह प्रेजेंट है। ऐसे देखो भाई, गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज है और गॉसियन सरफेस के बाहर भी चार्ज है। ओके, ये चार्ज हमने बना लिया। अब हमको सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया, और फिर इस सेगमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर बनाएंगे। सो देखो यहां पर इसका एरिया वेक्टर हो गया ds, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया ऐसे। अगर आपको इस पार्ट में डिफिकल्टी है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पर हमने बहुत डिटेल में इनको डिस्कस किया हुआ। अब जरा ध्यान देना कि टोटल फ्लक्स फाई टोटल क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds ओवर क्लोज्ड सरफेस s। अब जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E और एरिया वेक्टर ds दोनों पैरेलल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, यानी थीटा का वैल्यू हुआ 0 डिग्री। ठीक है, और यही नहीं, सेगमेंट आप कहीं भी लीजिए इस गॉसियन सरफेस पर,
हर जगह थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आएगा। यानी यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं, दिस इज ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब देखो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा और ई का वैल्यू यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो, ये गॉसियन सरफेस एस क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोजीशन में रखा हुआ है। इस वजह से इसके हर एक पॉइंट पर, इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा कांस्टेंट होगा। सो यहां ई कांस्टेंट हो गया, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, सो ई कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये रह गया इंटीग्रेशन डी एस कॉस 0 डिग्री 1 हो गया ये ओवर सरफेस एस। नाउ व्हाट इज डी एस? डी एस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। कहां लिया गया है ये सेगमेंट? ये गॉसियन सरफेस पर लिया गया है सेगमेंट, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। सो मतलब ये जो टर्म है ये बता रहा है कि जितने भी छोटे छोटे हमने सेगमेंट कंसीडर किए हुए हैं गॉसियन सरफेस पे, उनके एरिया का सम कर दिया जाए। तो ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस मिल जाएगा। सो इसको अगली लाइन पे हम लोग ऐसे लिख दें, ई इंटू 4πr1 का स्क्वायर। डिस्टेंस जहां पर ये निकालना है वो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है R1, ठीक है। सो मेरा पॉइंट P था R1 डिस्टेंस पर, इस स्फीयर का रेडियस हो गया कितना R1, इसे मैं फाई टोटल लिख दे, ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लेते। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आने वाला है। जरा उधर फिर से एक बार ध्यान दो, वहां कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है। अब इसमें देखो ये पार्ट कांस्टेंट है और ये वाला वेरिएबल है। सो मतलब ये जो चार्ज डेंसिटी है वेरिएबल है, लेकिन इसमें एक खास बात है। खास बात क्या है कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट लें और वहां पर इस तरह से हम पूरा मूव कर जाएं, जैसे मान लो मैंने r डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया है और हम ऐसे पूरा मूव कर जाएं तो हमको एक स्फीयर मिलेगा भाई। 3D में अगर पूरा मूव कर जाओगे स्फीयर मिलेगा, लेकिन वो स्फीयर के हर एक पॉइंट के लिए r का वैल्यू सेम होगा। मतलब ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर पर कहीं पर भी आप जाएंगे इस रो का वैल्यू क्या मिलेगा? कॉन्स्टेंट मिलेगा। अब इसमें सबसे खास ध्यान देने की बात यह है कि चार्ज डेंसिटी वेरिएबल तो है, लेकिन अगर हम ऐसे एक छोटा सा स्फीयर कंसीडर करें रेडियस आर का, तो उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट का आर का वैल्यू सेम है, ठीक है। ये मेन क्लू है। अब जरा हम ऐसा करते हैं कि यहां पर एक एलिमेंट्री स्फीयर ले लेते हैं, मतलब एक थिन हॉलो स्फीयर की तरह ले लेते हैं। मान लो ये हिस्सा मेरा एक थिन हॉलो स्फीयर की तरह हो गया। अब मान लो इसकी थिकनेस है डी आर के बराबर और रेडियस कितना है आर के बराबर, तो हमको इस पार्ट में कितना चार्ज है ये निकालना है, मतलब इस के अंदर कितना चार्ज है ये निकालना है। ये जो मैं हॉलो स्फीयर कह रहा हूं उसमें कितना चार्ज है ये निकालना है, ठीक। अब जरा देखो कैसे निकालेंगे। यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है इतना, तो ये जो स्फीयर है हॉलो स्फीयर इसके वॉल्यूम में कितना चार्ज है ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री स्फीयर या हॉलो स्फीयर जो कंसीडर किए वो निकालने की कोशिश करें। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, देखो कि हम लोग ऐसा सोचेंगे कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और उसके ऊपर हमने एक लेयर चढ़ा दिया है पूरे एरिया को कवर करते हुए जिसका थिकनेस कितना है डी आर के बराबर। तो वॉल्यूम हो जाएगा
इस स्फीयर का पहले सरफेस एरिया लें, कितना होता है भाई 4πr² और फिर इसका ये लेयर का थिकनेस कितना है dr के बराबर, तो मल्टीप्लाई कर दें dr से। ये कुछ इस तरह की बात हो गई कि जैसे मान लो मैंने कहा कि ये काट के मैंने निकाल लिया पूरा इस होलोस्फीयर को, और फिर मैंने उसे काट दिया और काट के सीधा कर दिया। अब सीधा अगर कर देंगे पूरे स्फीयर को तो भाई देखो उसका जो सरफेस एरिया है वो एक सर्कल के फॉर्म में हो जाएगा, जिसका एरिया क्या हो जाएगा 4πr², और उसके ऊपर ये थिकनेस उसका है कितना dr के बराबर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, सो ये dv हो गया। अब ये निकल गया इस पार्ट का वॉल्यूम, मुझे चार्ज प्रेजेंट निकालना है। सो द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट्री स्फीयर, एलिमेंट्री स्फीयर मतलब ये हॉलो स्फीयर, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हो जाएगा रो का वैल्यू क्या है भाई कैपिटल क्यू अपॉन पाई आर टू द पावर 4 इंटू स्मॉल आर, ये रो का वैल्यू हो गया। और फिर डीवी का ये वाला वैल्यू, डीवी का वैल्यू कितना है 4πr² dr, ऐसे कर दे। ठीक है, अब q अपॉन r टू दी पावर 4, ये 4 आया यहां पर r³ dr, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख दें। सो भाई ये चार्ज हो गया जो प्रेजेंट है इस एलिमेंट्री वॉल्यूम पर, भिन्न होलोस्फीयर की तरह से है, इस पर ये चार्ज प्रेजेंट है dq। मुझे क्या निकालना है, मुझे चार्ज निकालना है इस पूरे रीजन में, गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा कितना चार्ज है ये पूरा हमको निकालना है, जिसे हम q इन से लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि भाई ये गॉसियन स्फीयर मान लो ऐसे ही छोटे पतले पतले स्फीयर एक के बाद एक ऐसे रखे हुए हैं और इन्हीं से बना हुआ है ये। ठीक है, हर एक का थिकनेस कितना है dr के बराबर, और रेडियस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कहां से कहां बढ़ रहा है r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू r1 तक। सो अगर हम टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस निकालने की कोशिश करें q in क्या हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन होगा dq का, कहां से कहां तक r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू r1 तक। अब ये वैल्यू हमको dq के जगह पे रख देना है, सो इसे हम ऐसे रख दें 4q अपॉन r टू दी पावर 4 r³ dr फ्रॉम 0 टू r ओपन। ओके, अब जरा देखो 4q अपॉन r टू दी पावर 4 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दें, सो ये आ जाएगा 4q अपॉन r टू दी पावर 4, और फिर r³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा r टू दी पावर 4 अपॉन 4 0 टू r1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, सो ये हमारा फाइनली आ गया q अपॉन r टू दी पावर 4, और जब आप इसका लिमिट रखेंगे तो एक बार r1 टू दी पावर 4 होगा माइनस 0 टू दी पावर 4, सो इट विल बी r1 टू दी पावर 4, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कर दें। ठीक है, अब इसके बाद हमको गॉसियस लॉ अप्लाई करना है। गॉसियस लॉ ये कहता है कि भाई फाई टोटल इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जस्ट वैल्यू रख दें फाई टोटल का, ये वाला वैल्यू रख दें भाई, क्या है भाई ई इंटू 4πr1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले रख दें, और उसके बाद ये वैल्यू रख दें क्यू इन का, सो ये हो गया क्यू अपॉन r टू दी पावर 4 इंटू r1 टू दी पावर 4। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें,
देखो 4 पाई नीचे चला जाएगा, सो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0। आर वन स्क्वायर है इधर, आर वन टू दी पावर 4 है, कैंसिल होके इधर राइट साइड में आर वन टू दी पावर 4 रह जाएगा और ये कांस्टेंट भी रह जाएंगे। सो क्यू अपॉन आर टू दी पावर 4 और इनटू आर वन का स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कर दें, ठीक है। सो ये एक लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है जैसे ये स्टेप आप डायरेक्टली कर लेंगे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप जैसे ये स्टेप नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, आप इस स्टेप को और इस स्टेप को लिख के कर लेंगे। फिर जब आप इंटीग्रेट करने लगेंगे तो कॉन्स्टेंट्स पहले से बाहर लेके इसका वैल्यू डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे। तो जो लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वो तो काफी प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो उनका ये बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको अभी बहुत प्रैक्टिस करना है तभी आप इसको कर पाएंगे, है ना। सो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर आपके जेई मेन में या एडवांस में पूछा जाता है। ओके, सो इसे आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये अगला क्वेश्चन भी जेई मेन में एक साल पूछा गया है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे डिस्कस करने वाला हूं। पहले मैं इसे मिटा देता हूं। अब ये जो फिगर नेक्स्ट आपको दिख रहा है इसे अच्छी तरह से पढ़ें। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, AIEEE या जेई मेन में पूछा गया है। कहा जा रहा है एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या बहुत सिंपल वर्ड्स में कह दें कि भाई एक स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर के बराबर, चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक। चार्ज का वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिस्टेंस के साथ बदल रहा है। मतलब जैसे मान लो यहां पर कोई पॉइंट हम पी ले लें जिसकी डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है, तो आप जरा ध्यान दीजिए, वहां लिखा हुआ है डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। यहां पर ये कंडीशन दिया हुआ है फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज डेंसिटी है वो कब होगा, जब आप स्फीयर के अंदर होंगे। ये भी दिया हुआ है रो आर इक्वल टू 0 फॉर स्मॉल आर मोर देन कैपिटल आर। इसका क्या मतलब हुआ, स्मॉल आर मोर देन कैपिटल आर मतलब जब आप बाहर आ गए स्फीयर के तो चार्ज डेंसिटी 0 है, यानी सिंपल वर्ड्स में ये जो भी चार्ज है वो कहां प्रेजेंट है, इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। अब हमको कहा जा रहा है किसी इनसाइड पॉइंट जैसे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया है, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स में करेंगे, काफी बहुत सारे वैल्यूज भी सिमिलर आएंगे जो हम लोग डायरेक्ट लिख लिया करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को क्या करना है, phi टोटल निकालना है। पिछले वाले में अभी हमने निकाल के दिखाया था, यह आया था 4π स्मॉल आर स्क्वायर इनटू ई के बराबर, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। फिर क्या किया गया था, यहां पर एक एलिमेंट्री वॉल्यूम लिया गया था एक थिन हॉलो स्फीयर की तरह से, जिसका वॉल्यूम हम लोगों ने लिखा था, यह भी अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं 4πr² dr, इसे सेकंड कर दें। द चार्ज कंटेंड इन दैट थिन एलिमेंट्री स्फीयर क्या था भाई, रो इंटू dv एंड दैट इज रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल r, ये मैंने इस रो का वैल्यू लिख दिया, इंटू 4πr² dr। इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें, देखो ऐसे हम लिख सकते हैं रो नॉट पाई, ये कांस्टेंट है, देखो ये 4r² dr अगर जब इसे यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5
आर स्क्वायर डी आर और माइनस ये हो जाएगा 4r³ dr अपॉन कैपिटल आर। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है भाई, क्यू इन निकालना है। पिछले ही क्वेश्चन के स्टेप्स को मैं बराबर फॉलो कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, क्यू इन निकालने का तरीका क्या था, डी क्यू को इंटीग्रेट करना था कहां से कहां तक, r इक्वल टू जीरो से r इक्वल टू आर तक, ओके। अब ये जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखो ये कांस्टेंट है, पहले तो ये बाहर आ गया रो नॉट पाई। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये दो पार्ट में इंटीग्रेशन होगा, सो मैं उसे पहले ही अलग अलग लिख लेता हूं, 5r² dr माइनस इंटीग्रेशन 4r³ dr, ये जीरो से r तक लिमिट है, ये इसका भी जीरो से r तक लिमिट है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बस खाली हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, भाई ये हो जाएगा रो नॉट पाई। अब पहले वाले का इंटीग्रेशन, 5 बाहर आ गया r³ का इंटीग्रेशन हो गया r³/3 फ्रॉम 0 टू r माइनस 4r बाहर आ गया, r³ का इंटीग्रेशन हो गया r⁴⁴ 0 टू r, ऐसे लिख दें। सबसे पहले तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, रो नॉट पाई। अब जब हम लिमिट रखेंगे तो ये आएगा r³/3 माइनस 0/3, मतलब ये r³/3, सो इट विल बी 5/3 r³ माइनस यहां से आएगा r⁴ अपॉन कैपिटल r, ओके। हम चाहे तो यहां से r³ कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा रो नॉट पाई r³ एंड दैट इज 5/3 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल r। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कर दें। अब हमको गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, उसके लिए हम थोड़ा सा यहां से इसको हटा दें। अब देखो गॉसेस लॉ ये कहता है कि phi total इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई टोटल का वैल्यू यहां से रखो 4r² इज इक्वल टू क्यू इन का वैल्यू यहां से रो नॉट पाई r³ और ये 5/3 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल r और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये r² से ये एक r रह गया यहां पर, सो हमारा e का वैल्यू हो गया रो नॉट r अपॉन 4ε₀ एंड देन 5/3 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल r, सो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। सो मैंने एक और क्वेश्चन कर लिया जिसमें हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉन यूनिफॉर्म था। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत जल्दी मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक कंटिन्यू योर स्टडीज एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।